लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और इस चरण में करीब 60.21% वोटिंग हुई है। अंतिम चरण के तहत बिहार में 49.92%, हिमाचल प्रदेश में 66.17%, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 54.37%, पश्चिम बंगाल में 73.05%, झारखंड में 70.5%, और साथ ही आपको बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है कि सातवें चरण के लिए 7.27 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। सभी 7 चरणों का चुनाव संपन्न होने के साथ ही 8,039 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आगामी 23 मई को मतगणना के बाद सभी चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बता रहे 7वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और इन सब की मतगणना अब 23 मई को की जाएगी। आखिरकार 7वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। यहां पर 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। बिहार में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है और इन सब की मतगणना 23 मई को की जाएगी। अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे, जहां पर 7वें और आखिरी चरण का भी मतदान आखिरकार संपन्न हुआ और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर यह मतदान हुआ। मतदाताओं में भी बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया, कई दिग्गजों ने भी इसमें वोट डाले और अब इन सब की मतगणना 23 मई को की जाएगी। आपको बता रहे अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 50% मतदान हुआ और बिहार में सबसे कम 49.92% वोटिंग दर्ज की गई है और इन सब की मतगणना 23 मई को की जाएगी। अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर थी। 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, कई दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया और बिहार में सबसे कम 49.92% वोटिंग दर्ज की गई। 23 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे।